हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है घर के जीने के ऊपर मुमटी की हाइट कितनी रखें और क्या होना चाहिए। तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो मान लीजिए फ्रेंड, ये हो गया आपका घर। तो घर में जब भी आप जीना यानी कि स्टेयर जब बनाते हैं, तो जीने के ऊपर जब आप मुमटी बनाते हैं यानी कि मुमटी हो गया, ये हो गया आपका मुमटी। तो जीने के ऊपर जब आप मुमटी बनाते हैं तो मुमटी की हाइट क्या रखें, कितनी होना चाहिए और क्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो मान लीजिए फ्रेंड ये हो गया आपका मुमटी और ये हो गया आपका स्लैब, यानी कि घर का स्लैब, ये हो गया स्लैब। तो स्लैब से लेकर आपको मुमटी की हाइट क्या होना चाहिए और क्या रखे। ठीक है फ्रेंड, तो मुमटी की हाइट मिनिमम आपको यानी कि 8 फीट के हाइट पर होना चाहिए, 8 फीट का हाइट होना चाहिए मुमटी। जब भी आप कभी भी अगर बना रहे हैं जीने के ऊपर या घर के ऊपर आप मुमटी बना रहे हैं, तो उसका हाइट मिनिमम आपको 8 फीट पर होना चाहिए, 8 फीट का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, क्यों होना चाहिए, यानी कि आपका गेट हो जाएगा यानी कि दरवाजा आपको 7 फीट पे हाइट पे आपको दरवाजा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी कि 7 फीट के दरवाजा आपका 7 फीट पे हो जाएगा और दरवाजे के बाद 1 फीट का आपको एक फीट का आपका ब्रिक वॉल कर सकते हैं। ब्रिक वॉल करने के बाद 1 फीट के बाद यानी कि 8 फीट टोटल हो गया, तो 1 फीट ब्रिक वॉल करने के बाद आपको आप स्लैब ढलवा सकते हैं यानी कि मुमटी के ऊपर यानी कि स्लैब ढला सकते हैं, यानी कि स्लैब या आप यहाँ पर ढला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी कि टोटल घर के ऊपर जब आप मुमटी बनवा रहे हैं तो आपको मिनिमम 8 फीट का हाइट होना चाहिए मुमटी का। ठीक है फ्रेंड, और दूसरी बात यह है फ्रेंड, मुमटी के ऊपर जब भी अगर कभी पैरापेट वाल यानी कि रेलिंग लगवा रहे हैं आप, तो यानी कि यह हो गया आपका रेलिंग, पैरापेट मान लीजिए, यानी कि यह हो गया पैरापेट रेलिंग। तो पैरापेट मुमटी के ऊपर जब आप पैरापेट बना रहे हैं तो इसका मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो मान लीजिए फ्रेंड रेलिंग यानी कि पैरापेट की हाइट की बात करेंगे हम फ्रेंड, 2 फीट से लेकर आपको 2.5 फीट तक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, पैरापेट मुमटी के ऊपर 2 से 2.5 फीट तक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो जब भी अगर कभी आप मुमटी के ऊपर और मुमटी जब भी आप बनवा रहे हैं तो आप हाइट जान लीजिए कि हाइट क्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए।